तो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जूबा। तो गाइस देखो, आज वाली वीडियो में मैं खेलूंगा स्किपी के साथ। और गाइस देखो यार, बहुत समय से इसमें मतलब कल से ही, बहुत समय से नहीं, कल से इसमें काफ़ी एरर चल रहे हैं। कनेक्शन एरर वगैरह डिस्कनेक्ट हो जाता था बहुत बार। तो गाइस देखते हैं आज वो सही हो गया है। और कल मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाया था इसी वजह से, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्शन हो रहा था। तो गाइस देखो, आज वाली वीडियो में मैं खेलूंगा स्किपी के साथ खेलूंगा। और गाइस देखो, सोलो फुल चल रहा है, बहुत सही चल रहा है। तो गाइस देखो, मेरा जो भी स्किपी है लेवल 13 पर है। और गाइस देखो, पहले आइटम की बात करें गाइस, तो देखो नाइट्रो वो तो भाई पक्का लगा लेना चाहिए स्किपी पे। क्योंकि गाइस स्किपी पे नाइट्रो बो जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने भी स्किपी से खेला होगा ना, पता होगा कि भाई इसका जो बो है उसका रिचार्जिंग जो भी इसकी ड्यूरेशन होती है ना रिचार्ज वाली, वो बहुत कम होती है। और अगर देखो एडलिन भी लगा लेनी चाहिए, क्योंकि स्किपी की जो भी हेल्थ है वो भी बहुत कम होती है। तो मतलब ये है कि अगर स्किपी से खेल लो तो एडलिन और नाइट्रो बो तो चुपका दो से, मतलब ये तो लगेंगे ही लगेंगे, और भी लगे या ना लगे। तो अगर देखो, अब फिर मैंने लगा रखे हैं बैम्पार्टीज और अपना नाइट्रो शॉटगन। वैसे इसमें बहुत सारे लोग होली सैंडल्स भी लगा लेते हैं, बट मैं नाइट्रो शॉटगन ही लगाऊंगा। और बाकी का देखते हैं गाइस, सोलो फुल चल रहा है तो यहाँ पे अभी चलता हूँ, सोलो फुल खेलेंगे हम लोग। तो चलो गाइस देखो, अपना गेम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और गाइस मैं एक मिनट, अभी भी लैग कर रहा है। मुझे लगा था कि लैग की प्रॉब्लम पूरी तरीके से खत्म हो गई, बट अभी नहीं हुई है। एक मिनट, यहाँ पे एक और स्किपी है जो चुराने के लिए घूम रहा है। हेल्थ बंद चुरा भाई, क्या कर रहा है भाई, इसे भागना चाहिए था। पता है इसके सामने एक लेवल 13 का बंदा है, और वो लेवल 11 का था ना, और वो पता है हेल्थ किट लेने में बिजी है बंदा। उसे पता है कि मैं यहाँ पे एक और बंदा है जो कि मार सकता है, बट पता नहीं वो हेल्थ किट क्यों ले रहा था। एनीवे चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एक लेवल 8 की इसकी भी है। तो कहते कोई इसमें मैच मेकिंग वगैरह तो ट्रॉफीज के हिसाब से होती है, तो मेरा लेवल 13 का इसकी भी है, बट इसके पास ट्रॉफीज इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यार मैं खेलता नहीं हूँ ना। तो मैं भी पता है, मैं अपने जो भी मेरे फेवरेट कैरेक्टर हैं सिर्फ उन्हीं से खेलता हूँ ज़्यादातर, और बाकी के जितने भी कैरेक्टर हैं वो सब ऐसे ही रखे रहते हैं बस। तो गाइस देख लेते हैं अभी। तो गाइस देखो, स्किपी से क्या है ना, काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला कैरेक्टर है, बट ये है कि इसकी हेल्थ वगैरह काफ़ी कम है, बट फुर्तीला ये बहुत है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज रहती है इसे। और इसके पास वेपन्स वगैरह भी काफ़ी सही हैं। सबसे बढ़िया तो इसका बो है, क्योंकि इसकी भाई रेंज वगैरह तो पता ही है, बो की ड्यूरेशन वगैरह बहुत कम है रिचार्ज होने की, इस वजह से इसका बहुत सबसे बढ़िया है। फिर शॉट गन, दो शॉट्स तो क्या बहुत ही तगड़े हैं। तो क्या कहीं पर भी मतलब किसी को भी मारना होता तो पहले तो भाई तुम लोग बो चलाओ, और उसके बाद डबल शॉट गन, फिर बॉम्ब चला दो। वैसे तो जैसा तुम्हारा मन हो वैसे चलाओ, पर कोई कोई शायद मेरे हिसाब से शॉट गन चलाता होगा पहले, फिर बो चलाता होगा, बट मैं शायद पहले बो ही चलाता हूँ, क्योंकि इसके जो भी रिचार्जिंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है इस वजह से। सॉरी, उसका जो रिचार्जिंग टाइम है वो बहुत कम है, इस वजह से मैं बो ही चलाता हूँ। देखोगा यहाँ पर डोना है, यहाँ डोना ही रहा छः है, ये देखो हो मर गया दो मिनट में। तो कहते हो मैं चलाता हूँ बो, फिर बॉम्ब चला देता हूँ, फिर मैं जाकर शॉटगन चलाता हूँ, क्योंकि बो के बाद बॉम्ब फिर शॉटगन काफ़ी सही रहता है मेरे लिए। तो यहाँ पे एक सीज़र, एक मिनट सीज़र रुको, ये देखो एक मिनट, आ जा, वो पट गई बेचारे में, उसने मेरे को भी मारा बट मेरी इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं आई है। तो कहते देखो इसमें 9 बंदे बचे हुए हैं, 4 मैंने मार दिया, और एक मिनट इसमें बंदे यार छोटे आ रहे हैं, इस वजह से इसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा। मेरी ट्रॉफी इतनी है तो इस वजह से बंदे इसमें इतने आएंगे और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। एक मिनट इससे थोड़ा सा दूर रहूँगा मैं, एक मिनट भाई बहुत मार लिया, अब खाने का समय आ गया। चलो तो गाइस देख लेते हैं, ओली भी काफ़ी ख़तरनाक पड़ता है, अगर तुम्हें सामने से अटैक करोगे तो भाई ओली वास्तव में तुम्हें बहुत ज़्यादा डैमेज दे देगा, इस वजह से थोड़ा भाई इससे अवॉइड होकर ही अटैक करो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इस पेपर को पता नहीं है कि झाड़ियों में कुछ है। चलो वही बच गई रही, बच गई, वैसे वो मरने वाली है, उसका समय आ चुका है। चलो गई है, गई, ओए बच गई, गई, बस, दवाई, एक मिनट, ओ भाई एक मिनट, मर गई बेचारी। चलो कोई दिक्कत नहीं है बेचारी पेपर, यार अगर ये वाली और ज़्यादा लेवल की होती ना तो मैं और ज़्यादा सतर्कता से खेलता, मतलब मैं और ज़्यादा खतरनाक तरीके से खेलता, क्योंकि वो छोटी सी तो मजाक में खेल लेते हैं। तो चलो गाइस देख लेते हैं यहाँ पे और कितने बंदे, 4 बंदे बचे हुए हैं। तो कैसे होगा इसकी बेसिस, तो यही है कि भाई वेपन्स वगैरह पहले तुम बो चलाओ, फिर बॉम्ब, फिर अपना शॉटगन, और इसकी जो भी हॉप होती है बनी हॉप वो भी काफ़ी मस्त है, वो इतनी जल्दी रोलोड भी होती है, तो इस वजह से काफ़ी अच्छा करैक्टर है। बस ये हेल्थ के मामले में थोड़ी सी मात खा जाता है, वरना ये काफ़ी अच्छा करैक्टर है। पेपर वगैरह हो गई, जैसे मिलो हो गई, इनके सामने तो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा ओपी करैक्टर है मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई ये आराम से डॉच कर जाता है मिलो वगैरह के अटैक। बेचारी एमिंग करने में बहुत दिक्कत होती है पेपर और एम को, पेपर वगैरह को मैंने देखा है खुद, क्योंकि मैं खेला हूँ तो मेरे को इसकी भी मेरे को साथ आ जाता, सामने आ जाता है ना गाइस, तो बहुत ही ज़्यादा मेरे को तरीके से खेलना पड़ता है कि भाई मिस ना हो जाए, वरना इसके भी आके मार जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, लेरी और था वो भाग गया है, तो लेरी के लिए मैं देख लेता हूँ, वो शायद इधर ही कहीं होगा मेरे हिसाब से, तो एक मिनट में यहीं कहीं होगा शायद, ना ही क्या लेरी, तो यहाँ पर लेरी छुप चुका है, पता नहीं कहाँ गया लेरी, आएगा तो इधर ही कहीं, आ जा, मैं भी इसका इंतजार कर रहा हूँ वैसे। ओ ये रहा लेरी, कहाँ छुप रहे थे तुम लेरी, मर गया था। चलो गाइस, तो चलो कहते हो ये वाला गेम हम लोग जीत चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा आसानी जीत गए, क्योंकि लेवल 13 का इसके भी था, वो बंदे आ रहे थे 7-8 लेवल के। तो कहते हो इसमें ट्रॉफीज़ वगैरह मेरे 11 सौ हैं, इस वजह से इतने छोटे छोटे बंदे आ रहे थे। एनीवे कहते हो इसके भी से तो बस इतना ही था। तो कहते हो अभी मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग सोलो फुल चल रहा है ना,
तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि गाइस देखो मैं नेक्स्ट से खेल लेता हूँ। मेरा नेक्स्ट है लेवल 15 GM3। यस 1675 ट्रॉफीज है इसके पास। तो चलो देखो भाई नेक्स्ट से हमारा स्टार्ट हो चुका है और मैं गाइस म्यूजियम में उतरूंगा क्योंकि वहाँ पे लेजेंडरी गार्ड भी है और गार्ड भी है और वहाँ पे वेपन भी बहुत अच्छे मिलते हैं, इस वजह से मैं म्यूजियम ज़्यादातर उतरता हूँ। तो गाइस देख लेते हैं अभी लेजेंडरी गार्ड वहाँ से भागा नहीं है और आई होप कि भागे भी ना यार, बस मेरे को लेजेंडरी वेपन मिल गया तो मज़े आ जाएगा। ओके स्किपी और लीजी इसके अंदर आ रहा है, स्किपी और लीजी म्यूजियम के अंदर आ रही हैं बट लीजी चली गई, ठीक है स्किपी अंदर, ठीक है। तो मेरे को जल्दी से जल्दी पेपर उठाने पड़ेंगे क्योंकि स्किपी वर भाई सब बच बच के मारेगा। यहाँ पे देख लेते हैं, चलो वही बॉम्ब मेरे को चाहिए था भाई यार, गोल्डन बॉम्ब इसे मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलो देख लेंगे गोल्डन बॉम्ब वगैरह तो मिल जाएंगे। पहले मैं हेल्थ वगैरह ले लेता हूँ यहाँ से, देख लेते हैं सब बंदे तो आई होंगे थोड़े बहुत अच्छे लेवल के, मेरी इस बार ट्रॉफी भी सही है, बंदे तो शायद मैं आई होंगे यार क्योंकि ट्रॉफी वगैरह मेरी सारी सही है। तो क्या देख लेते हैं यहाँ पर लिजी और ये क्या कर रही है लिजी, मेरे को लग रहा है कि ये शायद सिर्फ और सिर्फ आउट होने के लिए आई है लिजी, हाँ मेरे को पक्का पता था शायद क्योंकि जिस हिसाब से खेल लेती या फिर उसका लैग कर रहा होगा पता नहीं, दो ही रीजन हो सकते हैं इस बात के। तो यहाँ पर देख लेते हैं उसकी भी शायद भाग गया क्योंकि उसके पास गोल्डन बॉम्ब था उसका निकल लिया, ये रहा प्रोफेसर नाम है इसका। यहाँ पर देख लेते हैं ओके यहाँ पर कोई है, यहाँ पर कोई ओली ओली भाई मर गया अबे भाई 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 एक मिनट बेचारे का हालत ख़राब हो गई है। ओके तो फिन ने भी अटैक कर दिया तो हालत तो ख़राब होनी थी, डबल अटैक हो गया फिन का भी। रॉय द किंग इसका नाम क्या है, रॉय द किंग, ओके तो तब भी बढ़ गया। ओके देखो गाइस लेवल 15 की फिन यहाँ पर आ गई है, एक मिनट में थोड़ा और जाके थोड़े से बेपन वगैरह और अच्छे कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ अगर मेरे को मिल जाए तो। ये क्या हो गया, इसे सो रही है क्या, ये गई। तो चलो गाइस देखते हैं ये वाली हेल्थ किट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, मैं बॉम्ब फेंकने वाला था बट फेंका नहीं। तो गाइस देख लेते हैं यहाँ पर और कौन कौन है, ओके तो यहाँ पर बक लड़ रहा है, एक मिनट लेवल 12 का बक है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोफेसर ये रहा अपना प्रोफेसर, बच गया प्रोफेसर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे एक मिनट, ओके तो यहीं है ये, ओ 11 का अच्छा दो इसके भी हैं, इसके अंदर एक अलग है वो अलग है, तभी मैं सोच रहा था भाई दोनों एक ही हैं। ओही ये कहाँ से निकली भाई साहब, इसने कितना बुरा अटैक करा है मेरे पे, अचानक से अटैक कर दिया। वैसे स्किपी ये स्टीव वगैरह निक्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाती, कहाँ गई वो स्टीव, देखते हैं उसी को मार के आते हैं क्योंकि गाइस स्टीव वगैरह तो पता ही है अगर निक्स से आप अच्छे तरीके से खेला हुआ तो स्टीव कुछ नहीं कर पाती चाहे कितने भी लेवल की हो। बच गया ये, ओहो मुझे ही मार गया उल्टा, बच गया मैं। उधर लेवल 15 फेन, उधर लेवल 8 का निक्स, चलो इसमें पड़ गया बेचारे में, अब की तो पड़ गया ही, अब कहाँ जाएगा। ओह बच गया यार वो स्टीव कहाँ है यार, मैं स्टीव को ढूंढ रहा हूँ क्योंकि स्टीव को मारना आसान है। मर गई ये, चलो एक मिनट से लेके आते हैं जल्दी से क्योंकि मुझे कोई पकड़ ना ले, बस की भी आ गया तो भाई मारने लग जाएगा। ये रहा आ गया मैं पता था यार, रुक। चलो ये बहुत सही था, आ जा गया, मैंने पहले से उधर मारी शॉटगन, यहाँ पर वो आने वाला था, लैंड होने वाला था, ये सही है भाई साहब, मैंने प्रेडिक्शन कर ली पहले कि कहाँ उतरेगा ये, वहीं पे मैंने शॉटगन मारी मर गया। मैंने इसकी भी बात समय बहुत ज़्यादा घूमता फिरता रहता है ना, इस वजह से शॉटगन कैसे रह जाती है मेरी, बार बार शॉटगन में मार ही नहीं पाया। आ जा पेपर आ गई बेचारी, एक मिनट पेपर गई नहीं गई, अब गई झंडा दिखाना क्या होता है जब बॉम्ब ही मैंने फेंक दिया, पहले दिखाती बॉम्ब फेंकने से पहले तो हो जाता काम। एक मिनट यहाँ पर फेना है, इससे थोड़ा सा टक्कर बाद में लेंगे, आराम से लेंगे। ओके 2 मिनट में मर गई यार ये, तो यहाँ पर कांटे पर कोई ले ना पाए तो डबल कांटा बिछाऊंगा मैं यहाँ पर, ठीक है चलो डबल कांटा बिछा दिया। एक मिनट यहाँ पर कौन है, स्टीव नहीं मिली यार, वो कैंपिंग कर रही है क्या स्टीव, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ मारने के लिए, इतनी देर से वो मिली नहीं रही। यहाँ पर देखो कैंपिंग कर रहे हैं लेवल 12 वगैरह, पता नहीं कौन कौन कर रहा है। ओके तो लिजी, ओहो लिजी कैंपिंग कर रही है, चलो ठीक है। चलो गाइस ये भी मरने वाला है, बच गया वो नहीं मर पाया। यहाँ पे किसी ने कांटे से उधमबाजी नहीं करी क्या, डोना क्या कर रहा है यहाँ पे भाई, लेवल 15 का बेचारा कैंपिंग कर रहा है क्या, फंस गया मेरे कांटे में, फंस गया वो डोना। एक मिनट ये क्या, एक मिनट वो वहाँ क्यों चला गया, मुझे लग रहा है कि शायद वो हेल्थ बढ़ाने गया है, हाँ गुड हेल्थ बढ़ाने गया है वो बंदा। वही डोना बेचारे को मार रहे हैं सब लोग यार, बेचारा उड़ उड़ के बाहर चला जाता है, इसकी हेल्थ कार्ड ले लेते हैं मेरे काम आएगी। चलो गाइस ये दोनों कार्ड लगा दिया, वो गया होता बच गया, गया 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 होता नहीं गया। यहाँ पे देख लेते हैं गाइस कौन बचा है, लिजी बची हुई है, चलो ये भी जाने वाली है गई। तो गाइस देखो ये वाला गेम हम लोग आराम से जीत गए, पता नहीं डोना क्यों खड़ा हुआ था,
तो चलो गाइस देखते हैं सोलो फुल में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया वैसे निक्स के साथ, इसमें इतने ज़्यादा बंदे नहीं आते, वो स्टीप थी, मैं उससे लड़ना चाह रहा था पर वो भाग रही थी डर डर के। तो चलो गाइस देखो इस वाली वीडियो में इतना ही, अगर ये वाली वीडियो थोड़ी सी बच्ची लगे तो मेरी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और गाइस कमेंट करके बताना कि अगली वाली वीडियो में किससे खेलूँ या फिर किसका चैलेंज करूँ। वैसे साथ अगली वाली वीडियो में फिन का स्पीयर वाइट वाला चैलेंज करूँगा। तो गाइस देख लेते हैं आज वाली वीडियो में इतना ही, बाय बाय।